मैंने कितनी दूर मारी, मैंने कितनी दूर मारी। जाओ बगम, गिल्ली लेकर आओ। क्या हुआ बगम, गिल्ली कहाँ है? प्रभु गिल्ली। आओ मेरे साथ। प्रभु यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। जी प्रभु, बस जोर का झटका धीरे से लगा है। प्रभु गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। मुझे शुक्राचार्य के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? मेरी हंसी मजाक से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे वानर मूर्ति बना दिया। वो बहुत दुष्ट है। यदि ऐसा है तो चलो देखते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ। शुक्राचार्य जी आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपको जमीन और जलकुंड में फर्क नहीं दिखाई देता। पत्थर के जैसे भावनाहीन बात करने वाले, अपने आनंद में तूने मेरा अपमान किया। तू अभी मूर्ति बन जा। मुनिवर इसे क्षमा कर दीजिए, ये स्वभाव से चंचल है। मैंने इसे बहुत समझाया कि किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं, लेकिन अपनी चंचलता में ये मान अपमान के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाता। इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकता महाराज, लेकिन जिस दिन प्रभु बाल गणेश का स्पर्श इसे होगा, ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा
लेकिन ये आसान नहीं होगा। जाओ अब इस मूरत को किसी गुफा में रख दो। अब कहो राजकुमार, किसकी गलती थी? माता पिता जो कहते हैं उसे बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनके पास हर कार्य के परिणाम का अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ उठाओ राजकुमार। जी प्रभु, अब से मैं अपने माता पिता के हर सीख का पालन करूंगा और गुरु शुक्राचार्य से भी क्षमा मांगूंगा। आज्ञा दीजिए। अब चले नंदी जी, लकड़ी पट्टम गोल कट्टम तड़ातड़ मार प्रतियोगिता में अभी और छक्के मारने हैं मुझे।